इससे अच्छा और कोई तरीका हो नहीं सकता कि जो हमने ये चित्र आपके सामने जाहिर किए हैं, ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले इन्होंने लोगों से क्या वायदे किए थे, लोगों को क्या सपने दिखाए थे, हरियाणा को कहां ले जाने की बात इन्होंने लोगों से कही थी। जो हरियाणा के अंदर आज सरकार के नाम की कोई चीज नजर नहीं आने की वजह से हरियाणा बिल्कुल बेसहारा होता हुआ जो नजर आ रहा है, और हरियाणा से उद्योगपति, मजदूर, कर्मचारी सब यहां से पलायन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिले कई कई महीने हो जाते हैं, बुजुर्गों को पेंशन तक ये सरकार नहीं दे पा रही है, और जब इनसे बात करते हैं, इनके जुमलों को सुनते हैं, इनके अहंकार और इनके घमंड को देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के सब जो रेवेन्यू कमिश्नर्स हैं, जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं, वहां भी जाकर के इस तरह की प्रदर्शनी मैं करूंगा जो लोगों के दर्द को बयां करेगी और इस सोई हुई सरकार को जगाने में शायद मैं समझता हूं कि थोड़ा इनको एहसास हो और ये हरियाणा को मरवाने के रास्ते से सेशन से ठीक एक दिन पहले इसलिए किया है जिससे कि क्योंकि इतनी बातें वहां ना ही बोलने देते हैं ना कहने देते हैं, तो इन सारी बातों के जरिए आज हरियाणा की सरकार की हालत को हरियाणा के लोग, देश के लोग देख करके शायद उनको लगेगा कि हरियाणा के लोगों ने कितनी बड़ी महान गलती करके इस हरियाणा के भाग्य की डोरी को